आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। सोमवार को लाडवा बिजली निगम कार्यालय पर बिजली कर्मचारियों ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ के बैनर तले प्रधान नेमचंद की अगुवाई में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कामकाज बंद रख एक हड़ताल की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के SDO और XCN द्वारा एक कर्मचारी को निलंबित करने को लेकर उन्होंने 2 घंटे की काम बंद करो हड़ताल की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक निलंबित कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं रखा जाएगा तब तक कर्मचारी प्रतिदिन बिजली कार्यालय पर 2 घंटे की हड़ताल करेंगे। आज जो आपने बिजली कर्मचारियों ने लाडवा में हड़ताल किया है और नारेबाजी की, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है जी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के एक्सपायर हो गया था बंदा, उसको हमारे बंदे कोई कसूर नहीं था, हमारे JE और फोरमैन एक लाइन मैन सस्पेंड कर दिए, इसलिए कर्मचारियों में भारी रोष है, इसलिए हम करो उसके अधिकारियों के नारे लगा रहे हैं और 2-3 अब जब तक फैसला नहीं होता तो हम ये 9 से 11 ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और इनके नारे लगाते रहेंगे अधिकारियों के। क्या प्रतिदिन जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी 9 से 11 बजे तक यहाँ पे बिजली अफसर में हड़ताल रहेगी? हड़ताल रहेगी जी 9 से 11 जब तक हमारा ये बंदे बहाल नहीं किए जाते, 9 से 11 इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। वहीं कर्मचारियों ने SDO और एक्शन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी ओर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग घंटों तक बिजली का बिल भरने के लिए लाइनों में लगे रहे, लेकिन बिजली कर्मचारियों का अपनी अपनी सीटों पर ना बैठने के कारण लोगों को बिना अपने काम किए घरों और दुकानों में वापस लौटना पड़ा। लाडवा से नरेश गर्ग की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।